मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मेरे मन वचन कर्म एक थे, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ मैंने राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी करी है। अब वकील कोर्ट में क्या जिरह करते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मुझे राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी के लिए हमेशा गर्व रहा है। मैंने तिरंगे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी। मेरे लिए राम मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं अवश्य करूंगी। इसलिए पहली बात तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि साजिश का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो सब खुल्लम खुल्ला था, मन में वचन में कर्म में एक ही बात थी, साजिश करने की जरूरत ही नहीं थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और उसी की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठी हुई है। हम दो से आज सरकार बनाने तक की जो पोजीशन में आए, उसमें राम मंदिर आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा जो ये बातें हैं कि दो साल में हो, मैं तो कहती हूँ कभी भी हो, मुझे फांसी हो जाए, मुझे जेल हो जाए, अयोध्या के लिए, गंगा के लिए, तिरंगा के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ना मैंने कभी खेद व्यक्त किया है, ना मैंने कभी माफी मांगी है, मैंने हर बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा है। बाकी वकील हैं, कोर्ट में लड़ेंगे, हमारे जो वकील होंगे वो अपनी बात कहेंगे, मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी। अब आप लोग जो सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है, उमा जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब सिख मरे थे 10,000 तो सोनिया गांधी राजीव के घर में ही थी, तो क्या ये माना जाए कि वो साजिश में शामिल थी? जब भोला पांडे ने हवाई जहाज का अपहरण किया था इंदिरा गांधी के नाम पर, तो क्या माना जाए कि इंदिरा गांधी उस साजिश में शामिल थी? इसलिए मैं कांग्रेस की तो किसी बात का जवाब नहीं दूंगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब तिरंगे के लिए मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी तो अपराध प्रमाणित हो गया था। अभी तो साजिश के बारे में केस चलना है, अपराध अभी प्रमाणित नहीं हुआ है। बाकी मुझे तो आपको मालूम है कि मेरे लिए तो राम के लिए, गंगा के लिए, तिरंगे के लिए मैं इंद्र का भी आसन छोड़ सकती हूँ। मंत्री का पद तो बहुत छोटी चीज है, और मैं आज ही रात को अयोध्या जज्बात का गर्व और संतोष व्यक्त करूंगी कि उन्होंने जीवन में मुझे इतना यश दिया, इतनी प्रतिष्ठा दी, इतना सम्मान दिया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करने जाऊंगी। मैं रामलला के भी दर्शन करूंगी, मैं हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करूंगी, और मैं अयोध्या में सरयू के किनारे कल रहूंगी। मैं इसके बारे में एक शब्द नहीं बोल सकती। आपने कांग्रेस का नाम लिया कि वो कह रहे हैं, बहन ने कांग्रेस का ही नाम लिया कि वो कह रहे हैं कि मुझे क्या इस्तीफा देना चाहिए, तो उसका मैंने उत्तर दिया कि 10,000 सिखों की हत्या करने के समय पर सोनिया गांधी राजीव के घर में ही मौजूद थी, और राजीव उस हत्या को जायज ठहरा रहे थे, उन हत्याओं को। इसलिए कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है, जिनने देश में इमरजेंसी लगाई, लाखों लोगों को मरवा दिया, लाखों मुसलमानों का बधियाकरण करवा दिया, इमरजेंसी लगा दी देश में, इतनी हत्याएं हुई उस समय पर, उस समय भी सोनिया गांधी इंदिरा गांधी के घर में ही थी। इसलिए फिर सोनिया गांधी पे, राहुल पे, प्रियंका पे, सब पे अपराधी मुकदमे चलने चाहिए फिर तो। इसलिए मैं कांग्रेस का जवाब नहीं दूंगी। मैं ये कह रही हूँ मेरे जैसा व्यक्ति कहाँ पद से चिपकने वाला व्यक्ति है। मेरे लिए तो आप लोग जो सम्मान देते हो वही मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, और मैं अपना काम जरूर पूरा करती हूँ। राम मंदिर बन के रहेगा, तिरंगा लहरा के रही थी, गंगा निर्मल करके रहूंगी। उमा जी, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही थी, क्या प्रधानमंत्री से आपकी इस बारे में कोई बात हुई, क्या इस्तीफे से जुड़ा या कोई भी और बात इस मामले से जुड़ा प्रधानमंत्री ने कहा आपको? कैबिनेट की बैठक तब समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद हम लोग चाय पान कर रहे थे और उसके बाद में घर आ गई थी। जो फैसला आया है उसके समय में थोड़ा सा फर्क था, इसलिए इस संबंध में हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई बात नहीं हो पाई है। लेकिन राम मंदिर पर जो मेरी आस्था है वो मेरी बिल्कुल निजी रहती है, बिल्कुल व्यक्तिगत रहती है। नहीं नहीं, मेरी अभी आप यकीन करिए, मैंने सबसे पहले आपको ही बुलाया, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को, पूरे भारत को संदेश देना चाहती हूँ कि राम मंदिर के बनने का अवसर आ गया। ये जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है कि हमारे खिलाफ साजिश का मुकदमा चलना चाहिए, तो साजिश मैंने पहले ही साफ कर दिया, साजिश यही नहीं, सब खुल्लम खुल्ला है। साजिश तो तब करेंगे ना भैया जब खुल्लम खुल्ला मामला नहीं होगा। यहाँ तो मन वचन कर्म तीनों कह रहे हैं कि हाँ मैंने अयोध्या के आंदोलन में भागीदारी की, साजिश की क्या बात है? हाँ मैं 6 दिसंबर को वहाँ मौजूद थी, इसमें साजिश की क्या बात है? बाकी की जो बातें हैं वो जो वकील लोग हैं वो अपनी जिरह करेंगे, उनको करना भी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि इस्तीफा दे, तो फिर इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और क्या बोलते हैं, सॉरी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब पे केस चलना चाहिए, तो 10,000 सिखों की हत्या का। तो इसलिए उनकी बातों का मैं जवाब नहीं देना चाहती। बाकी मैं पद से चिपकने वाले लोगों में से नहीं हूँ। आज मैं कैफियत एक्सप्रेस से अयोध्या जा रही हूँ,
कल मैं अयोध्या जाऊंगी, सरयू से पैदल जाऊंगी, रामलला के पैदल चल के अयोध्या की गलियों में दर्शन करूंगी, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां चढ़ूंगी, उनके दर्शन करूंगी और वहां यह संकल्प व्यक्त करूंगी कि राम मंदिर तो बन के ही रहेगा, कोई माई का लाल उसको नहीं रोक सकता। अभी जो मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे लगता मुझे वही बात रिपीट करनी पड़ेगी कि वो लैंड ऑफ डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट ऑफ लैंड है। अब डिस्प्यूट ऑफ लैंड का जो सेटलमेंट है वो आउट ऑफ कोर्ट और कोर्ट दोनों में होता है। जो डिस्प्यूट ऑफ फेथ था वो खत्म हो गया था जब 2010 में सितंबर में जब ये फैसला आया कि बीच का जो डोम है वो रामलला का है, और जो चैलेंज हुआ है वो ये फैसला नहीं हुआ है जमीन किसकी है इस पर अभी विवाद है। तो इसलिए जब सिर्फ जमीन का विवाद है तो वो कोर्ट के बाहर भी सुलझ सकता है, कोर्ट के अंदर भी। मुझे तो लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना करके इसका जो परिणाम आएगा कि अंत में ये मामला कोर्ट के बाहर या कोर्ट के अंदर सुलझने की।